फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैसे सीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर करें। तो इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 19.110 के क्वेश्चन 56 टू 62 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का फर्स्ट देखते हैं। 56 का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर 3x dx। एक क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना था। देखते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है आपका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर 3x dx, इतना है। लेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो है इंटीग्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में है, u इंटू वी पे। तो इसको हम एक्स स्क्वायर को u मानेंगे और e का पावर 3x को भी। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू e का पावर 3x, इतना। देन इंटीग्रेशन i, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू e का पावर 3x dx इज इक्वल टू u यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई का पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ये एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, इतना इतना होता है। फॉर्मूला पर हमने पुट करके बना दिया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन इतना ही रह जाएगा ई का पावर 3x, लेकिन एक्स के ऑप्शन से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड दे दिया माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटीग्रेशन इसका ई का पावर 3x बाई 3 dx, इतना हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू ई का पावर 3x माइनस, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको 2/3 कॉन्स्टेंट है इसमें, तो बाहर कर देते हैं 2/3 इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई का पावर 3x dx, इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू ई का पावर 3x माइनस 2/3, फिर देखिए u इंटू वी प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। इसको भी करते हैं एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई का पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई का पावर 3x dx का होल इंटीग्रेशन, इतना। ब्रैकेट क्लोज। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू ई का पावर 3x माइनस 2/3 x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ई का पावर 3x बाई 3 हो जाएगा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx 1 1, इसका इंटीग्रेशन 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं ई का पावर 3x बाई 3 इसका इंटीग्रेशन ये dx, इतना। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू ई का पावर 3x माइनस 2/3 इंटू एक्स बाई 3 इंटू ई का पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन फिर से करते हैं तो आपका हो जाएगा ई का पावर 3x बाई 3 इंटू 3 यानी 9, पहले से 3 है फिर इंटीग्रेशन इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा तो 3 इंटू 3 यानी 9 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट से। अब इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए यानी माइनस 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू ई का पावर 3x इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2x अपॉन 9 इंटू ई का पावर 3x, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ 2/27 इंटू ई का पावर 3x
प्लस सी, ये जो है आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 56 का फर्स्ट। हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, ये है आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, इतना सॉल्यूशन गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, इतना दिया हुआ है आपका, सॉल्व करना है। लेट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू ई एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो देन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू पर भी, यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू ई एक्स डी एक्स, फॉर्मूला पे हम पुट करके वैल्यू कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये डी एक्स इतना हो गया, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है जानते हैं, माइनस इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स इंटीग्रेशन इसका एक्स, इतना हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर, इसमें से तो बचा आपका एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, इतना बचा तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस टू। अब ये देखिए, ये भी यू इंटू भी फॉर्मूला पे, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे सॉल्व होगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं, तो एक्स इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, इसको यू माने इसको भी, तो एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ई का पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ रहे हैं आप, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस टू इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स ही हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन विथ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन, लिखना कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन इसका ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही प्लस सी, कॉन्स्टेंट सी आएगा, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स माइनस, अब टू माइनस टू से इसमें मल्टीप्लाई करें हम, देखिए तो माइनस टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस टू ई का पावर एक्स, इतना हो जाएगा जी। अब देखिए आगे इंटीग्रेशन आई का पावर आई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, यहाँ से ई का पावर एक्स हम कॉमन करते हैं, तो बचता है पर क्या देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना जरूर से करें और शेयर जरूर से करें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सेवन देखते हैं आपका क्वेश्चन 57। फ्रेंड्स मैं बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 57 और 58 जो है आपका बुक का जो आंसर वो करेक्ट नहीं है, वो पूरी टोटली करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, इसी कारण मैं अपने से सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि करेक्ट आंसर है आपका एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 है।
सॉल्व करते हैं, गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू है एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये जो है यू इंटू वी पे, यू इंटू वी फॉर्मूला पे है, तो इसको कॉस इनवर्स एक्स को हम यू और एक्स को भी मानते हैं, तो इसी फॉर्मूला पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स, या आप देखिए ऐसे मांगने करते हैं हम लेट u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स, इतना इतना हो गया। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू देखिए कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला पे हम पुट कर रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कॉस इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन या डी एक्स, इतना इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स यानी माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए लेट कर लीजिए, लेट एक्स इज इक्वल टू, ये तो आपका इंटीग्रेट है, लेकिन इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए हम एक्स इज इक्वल टू मान रहे हैं साइन अल्फा, साइन अल्फा देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस अल्फा डी अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू हो जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स, साइन इधर आएगा तो हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आपका ये वन बाई टू छूट रहा है, तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट था तो बाहर आएगा ना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू साइन अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और डी एक्स का वैल्यू क्या है देखिए कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा, इतना है। आगे हम इसको करते हैं सॉल्व, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ये कॉस अल्फा कीजिए यहाँ पे कॉस अल्फा डी अल्फा अल्फा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी ये स्क्वायर रूट हटेगा तब हो जाएगा कॉस अल्फा, इतना यहाँ से कॉस अल्फा कैंसिल वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट लीजिएगा तो आपका जाएगा कॉस अल्फा, तो यहाँ से कॉस अल्फा कैंसिल, तो बचा क्या आपका इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, यहाँ से देखिए तो हम टू से मल्टीप्लाई भी करते हैं टू से डिवाइड, तो टू साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, इतना हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस वन बाई यहाँ से देखिए वन बाई फोर हो जाएगा, तो वन बाई फोर इंटीग्रेशन टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस टू अल्फा,
जानते होंगे फॉर्मूला, ये डी अल्फा इतना इज इक्वल टू, देखिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये अल्फा माइनस इसका इंटीग्रेशन साइन 2 अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन अल्फा, लेकिन यहाँ पे देखिए अल्फा के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए हैं इतना प्लस सी, समझ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4, 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा इसमें हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या देखिए -1/4 इंटू 2 और साइन 2 अल्फा, यानी साइन 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं इंटू 2 साइन अल्फा, यानी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 sin α इंटू cos अल्फा, साइन 2 ए इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू इतना, साइन 2 अल्फा के बदले हम इतना लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस सी। यहाँ से देखिए 2 2 कैंसिल कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/4 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या वैल्यू है साइन इनवर्स एक, तो वैल्यू डालते हैं साइन इनवर्स एक्स, यहाँ बचा है -1/4, क्या बचा है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स वैल्यू डाल रहे हैं और कॉस अल्फा, साइन अल्फा वैल्यू दिया आपका मान एक्स है तो साइन कॉस अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा आपका, तो 1 - x² कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - x² प्लस सी। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका आंसर है, यही जो है आपका आंसर है, दिखाते हैं हम आपको बुक में, ये देखिए आंसर जो है आपका इतना है आ रहा है, जो कि आंसर इस ये पार्ट नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे 1/4 होना चाहिए था, ठीक है ये भी है, ये भी आपका आ रहा है माइनस इतना भी आ रहा है, ये 2 पार्ट आ रहा है आपका, ये यहाँ पर सिर्फ 1/4 होता तो ये पार्ट भी आ रहा था, लेकिन 1/2 दे दिया है जो कि करेक्टली नहीं है, करेक्ट आंसर्स नहीं है, जो कि मेरा जो आंसर है आपका करेक्ट है, इसी पे बनाए क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए 58 58 है आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स वर्स एक्स डी एक्स इतना है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन आई गिवन कर लीजिए, गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स आप जो है एग्जाम में इसी प्रकार से सॉल्व किया करिएगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकें। इतना है आपका इंटीग्रेशन दिया, तो लेट साइन इनवर्स एक्स को यू एंड इज इक्वल टू यू एंड भी जो है उसको हम एक्स माने, यानी एक्स को भी, तो इस फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, तो एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, फॉर्मूला होता है ये, इस पर पुट कर दिए हम इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए आपका हो गया साइन इनवर्स एक्स
into x square, इसका इंटीग्रेशन x square by 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x square, इतना होता है इंटू इसका इंटीग्रेशन x square by 2 dx, इतना इसको ऐसे लिख सकते हैं x square by 2 sin इनवर्स x और यहाँ से 1 by 2 कॉन्स्टेंट तो माइनस 1 by 2 इंटीग्रेशन x square upon under root 1 minus x square dx, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अब देखिए, लेट x इज इक्वल टू sin अल्फा, sin अल्फा मान लीजिए, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू sin अल्फा का डिफरेंशिएशन cos अल्फा d अल्फा, इतना देन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 एंड x का वैल्यू हम पुट करना क्या sin अल्फा में, तो sin x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर यानी sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट, इसका भी यहाँ पर पुट करना पड़ेगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा इंटू dx का वैल्यू क्या रहेगा cos अल्फा इंटू d अल्फा, इतना। तो देखिए ये हो जाएगा पॉइंट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन sin स्क्वायर अल्फा, इसका हो जाएगा cos अल्फा स्क्वायर उठाएगा तो इंटू cos अल्फा d अल्फा, यहाँ से देखिए cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड भी तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा d अल्फा, इतना हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ sin स्क्वायर अल्फा ही नहीं बचेगा, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड किए 2 से मल्टीप्लाई किए, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x माइनस यहाँ 1 बाई 4 हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इज 1 बाई 4 और 2 sin स्क्वायर अल्फा जो कुछ जानते हैं आप 1 माइनस cos 2 अल्फा होता है ये डी अल्फा, इतना। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाई 4, अब हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं इस पार्ट का, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा आपका अल्फा माइनस इसका इंटीग्रेशन sin 2 अल्फा बाई 2 प्लस सी, इतना। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x, अब इसका माइनस 1 बाई 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बाई 4 ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 4 ए इंटू 2 और साइन 2 अल्फा को हम लिख देते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा को बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस सी, इतना। तो 2 कैंसिल यहाँ से, तो आई इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x माइनस 1 बाई 4 ए, ए इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू देखिए sin इनवर्स x हो जाएगा वैल्यू अल्फा का तो sin इनवर्स x, फिर बचा आपका प्लस 1 बाई 4 अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू x और cos अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, जब आपका sin अल्फा का वैल्यू दिया है x तो cos अल्फा का भी वैल्यू निकल जाएगा, जानते हैं आप फॉर्मूला पे ये सब माइनस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए प्लस सी, इतना। यही आपका जो है आंसर हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन में इसका आंसर जो दिया है बिल्कुल ही रॉन्ग है, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स है जबकि यहाँ आंसर में आपका दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 साइन इनवर्स एक्स जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, आप कॉमन सेंस की बात है
जब एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, जबकि 9 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं, समझ गए, ये रॉन्ग था, ये आपका सही है। तो आप इसी को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम 59 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। जो भी 59 का फर्स्ट 59 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है आपका गिवन, देखिए गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इतना आपका दिया हुआ है, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 डीएक्स, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 1, इतना कंसिडर कर लीजिए। देन इंटीग्रेशन i, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला पे, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है और इंटीग्रेशन लेना है 1 का डीएक्स का होल इंटीग्रेशन। ये आप समझ रहे हैं कैसे किया गया है। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स नहीं है, साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स का साइन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना, और इसका इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ना हो गया इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो गया एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अभी जो है u और v फॉर्मूला पे आ गया है, यानी इसका भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अब सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, देखिए x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, इंटीग्रेशन इसका भी करते हैं u और v पे, तो इसको हम u मानते हैं साइन इनवर्स x का, इसका भी, तो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का होल इंटीग्रेशन, इतना इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा। अब आप पैक लीजिए, लेट लेट जेड इज इक्वल टू मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz इज इक्वल टू माइनस 2x dx,
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस टू के सेट हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस डी जेड बाई टू इतना। नाउ इंटीग्रेशन आई, नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, इसका साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वैल्यू कॉलम पुट करते हैं एक्स का, एक्स डी एक्स का इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई टू, और ये इसका हो जाएगा रूट जेड, रूट जेड माइनस इंटीग्रेशन आपका, ये देखिए अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन, इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इसका माइनस डी जेड बाई टू, एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा माइनस डी जेड बाई टू और टू और अंडर रूट इसका यानी रूट जेड, इतना आप समझ रहे हैं, प्लस सी इतना हो गया। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स यानी वन बाई टू, देखिए माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका वन अपॉन रूट जेड यानी जेड का पावर माइनस वन बाई टू डी जेड, इसको लिख सकते हैं इतना, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर आएगा तो प्लस इंटीग्रेशन वन बाई टू कॉन्स्टेंट है इसका हो जाएगा जेड के रूप में लिख रहे थे वन अपॉन रूट जेड, ये कॉन्स्टेंट बाहर आएगा वन बाई टू, इसका होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड का पावर माइनस वन बाई टू डी जेड इतना का होल डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो गया। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इन टू माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन टू रूट जेड, और इसका देखते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट जेड इन टू वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन होगा टू रूट जेड इतना हो जाएगा, ये डी एक्स इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए टू टू कैंसिल, यहाँ से रूट जेड कैंसिल, यहाँ से टू टू कैंसिल इतना होगा कटेगा सब, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू साइन इन माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये मल्टीप्लाई हुआ रूट जेड का वैल्यू पुट होगा तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा आपका, सिर्फ डी एक्स बचेगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं प्लस एक्स ये प्लस सी, तो इसका आगे हम फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो साइन इनवर्स एक्स इन एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी, ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करते हैं सॉल्यूशन गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx
आपका देखिए हिंट दिया हुआ है साइड में कि साइन इनवर्स 3x-4x³ इज इक्वल टू 3 sin inverse x dx, इतने के बराबर है। देखिए हिंट दिया है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं, 3 sin inverse x dx इतना लिख सकते हैं। तो नाम अब इसको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, उसी हिसाब से कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 3 sin inverse x का इंटीग्रेशन करना है, यानी साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन इसको वहाँ 1 मान लीजिए तो 1 को भी मानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये dx हो गया इतना। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 3 sin inverse x, इसका इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 − x² इसका इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स को हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे, ये dx इतना हो गया। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा आपका, अब हम क्या करते हैं लेट इसको सॉल्व करते हैं दिस पार्ट को, तो लेट जेड इज इक्वल टू माना हमने 1 − x², देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू −2x dx इतना। तो −2 को इधर लेंगे तो हो जाएगा आपका −dz/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x dx इतना हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 x को पढ़ लेते हैं तो x sin inverse x माइनस, अब वैल्यू पुट करते हैं x dx इज इक्वल टू −dz/2, तो −dz/2 ये √z हो जाएगा इतना, प्लस कॉन्स्टेंट से इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 x sin inverse x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 1/2 है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√z यानी z^-1/2 dz लिख सकते हैं प्लस से। तो अब देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पहले, 3 x sin inverse x प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2√z इतना प्लस सी इतना हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखिए यहाँ से 3x मल्टीप्लाई करें अब इसमें, यहाँ से 1/2 और 2 कैंसिल, 3 x sin inverse x यहाँ से हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई तो होगा तो 3√z यानी 1 − x² प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इंटीग्रेशन √x² + 1 इंटू log x² + 1 −2 log x इतना अपॉन x⁴ dx इतना आपको है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू √x² + 1 इंटू log x² + 1 −2 log x अपॉन x² x⁴ dx ना हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू आप देख सकते हैं आपके बुक के बगल में हिंट दिया गया है कि इतना बराबर जो है आपका इतना दिया गया है, यानी
इतना जो है आपका दिया हुआ है जो वो इसके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स, ये आपका हिंट दिया हुआ है कितना हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। तब पुटिंग देखती है, देखिए पुटिंग जेड इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, देन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा आपका डी जेड इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स क्यूब का पावर माइनस थ्री हो जाएगा डी एक्स। आपको ये डिफ्रेंशिएशन आता होगा इसी कारण मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस टू की सर लेते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस डी जेड बाई टू इज इक्वल टू वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब नाउ इंटीग्रेशन पे आते हैं, नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते हैं, इतना को हमने क्या माना वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फोर जेड, तो अंडर रूट जेड हो जाएगा और लॉग ये भी जेड हो जाएगा इसका इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू क्या इतना यानी माइनस डी जेड बाई टू, इसको माइनस वन बाई टू बाहर कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट जेड लॉग जेड डी जेड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो करते हैं उसी को, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू देखिए वन बाई टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस है ना माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर लॉग को यू मानते हैं और जेड को भी, तो लॉग डायरेक्ट हम कर रहे हैं लॉग जेड इंटीग्रेशन रूट जेड डी जेड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग जेड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड इतना का होल इंटीग्रेशन, आपको समझ रहे हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन लॉग जेड, इसका इंटीग्रेशन हो जाए इंटीग्रेशन होगा टू बाई थ्री, ये मैंने बहुत बार रूट जेड का इंटीग्रेशन किया है इसलिए हम आपको याद होगा कैसे इसका इंटीग्रेशन होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थ्री बाई टू इतना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग जेड का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन सॉरी वन बाई जेड इसका इंटीग्रेशन जिसका इतना होगा इसका इतना भी होगा इसका भी टू बाई थ्री जेड का पावर थ्री बाई टू इतना का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन एस टू बाई थ्री जेड का पावर थ्री बाई टू लॉग जेड माइनस टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन जेड का पावर थ्री बाई टू अपॉन जेड, तो जेड का पावर थ्री बाई टू माइनस वन होगा इसका पावर वन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जेड का पावर हो जाएगा वन बाई टू डी जेड इतना प्लस से इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन टू बाई थ्री जेड का पावर थ्री बाई टू लॉग जेड माइनस टू बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टू बाई थ्री इंटू जेड का पावर थ्री बाई टू प्लस सी, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा देखिए माइनस, अब माइनस वन बाई टू इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका वन माइनस वन बाई थ्री जेड का पावर थ्री बाई टू लॉग जेड, यहाँ से भी होगा इसमें मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस माइनस वन बाई टू ये कैंसिल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू बाई नाइन हो जाएगा जेड का पावर थ्री बाई टू इतना हो जाएगा प्लस सी, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू वन बाई नाइन जो है वन बाई नाइन और जेड का पावर थ्री बाई टू अब हम कॉमन करते हैं तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस थ्री लॉग जेड
लिख लीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, तो माइनस 1/3 जेड का पावर 3/2 लॉग जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस 2 इतना, प्लस कॉन्स्टेंट से इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 जेड का पावर 3/2 पॉलिटिकल यानी 2 माइनस 3 लॉग जेड प्लस सी, इतना लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9। अब जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस 1/x² का पावर 3/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 लॉग जेड यानी 1 प्लस 1/x² इतना प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 और 62 सॉल्व करेंगे। तो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, देखिए टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx सॉल्यूशन गिवन, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx इतना है। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा देन इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा यानी 2 थीटा, और इसका एक्स का कोएफिशिएंट थीटा कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 d थीटा यानी डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2 sin 2θ d θ इतना हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स अंडर रूट, वैल्यू पुट करते हैं एक्स का, तो 1 माइनस cos 2θ अपॉन 1 प्लस cos 2θ इतना ये, और डी एक्स का वैल्यू इतना -2 sin 2θ इतना आया है ये d θ। तो इंटीग्रेशन आई जो कुछ देखिए टैन इनवर्स 1 माइनस cos 2θ इक्वल टू होता है 2 sin² θ अपॉन 1 प्लस cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ इतना, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 sin 2θ इज इक्वल टू 2 sin θ into cos θ यानी थीटा इतना। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं टैन इनवर्स 2θ का तो बचा है आपका ये 2 कैंसिल, sin²θ माइनस हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका -4 sin θ into cos θ d θ इतना। या आप इसको एक्सपेंड नहीं कीजिए, ऐसे ही रह दीजिए यहाँ पे sin²θ ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचा आपका -2 sin²θ इतना d θ। तो इंटीग्रेशन आई देखिए टेन बस टेन थीटा, यहाँ से बचेगा आपको क्या थीटा
और ये माइनस टू है तो कॉन्स्टेंट बाहर निकलते हैं, बचेगा आपका साइन टू थीटा, टू थीटा डी थीटा इतना। अब देखिए यू बाई भी, यू इंटू भी फॉर्मूला पे आ गया है, ये नहीं। अब इसको इंटीग्रेशन पर पार्ट्स पे सॉल्व किया जा सकता है, तो करते हैं। तो माइनस टू इंटीग्रेशन थीटा को यू और साइन टू थीटा को भी, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन टू थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड टू इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला को पुट करके बना रहे हैं इसको, टू थीटा डी थीटा का और इंटीग्रेशन डी थीटा इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस टू थीटा, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा बाई टू माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन वन, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू डी थीटा इतना इज इक्वल टू माइनस टू इंटीग्रेशन माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस उसका हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा टू थीटा बाई टू इतना, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस टू थीटा इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई टू टू। अब इसका टू इंटू, अब इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा तो टू इतना प्लस से, यहाँ टू इंटू टू को हम डायरेक्ट फोर कर देते हैं फोर, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे बचेगा सिर्फ कॉस टू थीटा, प्लस माइनस टू से इसमें करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस टू इंटू वन बाई फोर यानी माइनस वन बाई टू हो जाएगा यहाँ नीचे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन टू थीटा थीटा प्लस सी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन आए इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू एक्स माने, तो एक्स थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखिए थीटा तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा और वन बाई टू यानी वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स एंड वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स थीटा का वैल्यू, माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा, जब कॉस टू थीटा इज इक्वल टू एक्स तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी इतना हो जाएगा। अगर आपको थीटा का वैल्यू नहीं निकालना है तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो कॉस की से लाइए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, बचा आपका टू थीटा, तो थीटा का टू इधर आएगा डिवाइड में तेज हो जाएगा, यह बचेगा सिर्फ थीटा, तो वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये जो है वो है आपका आंसर हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही जो है आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आपका लास्ट है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 62। क्वेश्चन नंबर 62 62 है आपका, देख लीजिए 62 दिस इज नॉट वर्किंग 62 क्वेश्चन नंबर, ये आपका एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स इतना है, सॉल्व करते हैं। गिवन इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, सब मल्टीपल एंगल्स आप जानते होंगे फॉर्मूला के बारे में,
out 1 minus cos x is equal to 2 cos 2 sin square x by 2. ये आपको मालूम होगा सब मल्टीपल एंगल स्क्वायर में इंटीग्रेशन आई आई इज इक्वल टू होगा. देखिए अब इससे में हम क्या करते हैं पते को अलग अलग डिवाइड देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 साइन x by 2 into cos x by 2 upon 2 sin square x by 2 dx. यहाँ से देखिए ये कटेगा, ये 2 2 भी कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा आपका sin x by 2 बचेगा. इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू देखिए 1 by 2 इंटीग्रेशन x ये sin square x by 2 यानी cos square x by 2 इतना माइनस इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा आपका क्या कॉट एक्स बाई टू डी एक्स इतना इंटीग्रेशन आए. ये इसको यू इंटू वी पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, करते हैं एक्स इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई टू डी एक्स इतना. इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टू. देखिए आप कोस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स बाई टू, लेकिन एक्स नहीं है, 1 बाई टू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 1 बाई टू हो जाएगा. हो जाएगा ना जी, एक 1 बाई टू से मल्टीप्लाई होगा, एक्स तो पहले था, 1 बाई टू से क्या होता है इंटीग्रेशन है तो डिवाइड होगा तो 2, यानी 2x कर देते हैं इतना माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 2 कॉट एक्स बाई टू डी एक्स इतना हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई टू डी एक्स इतना. तो देख लीजिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हो जाएगा आपका 1 बाई टू इंटू माइनस 2x कॉट एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई टू इंटू 2 कॉट एक्स बाई टू. यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स इतना हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखिए हम देखेगा आपका माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू, देखिए यहाँ पे एक टू टू कैंसिल, तो बचा आपका इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई टू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई टू डी एक्स. पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस सी, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, जो कि आपका आंसर है. फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को शेयर जरूर से किया कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स.